So hello everyone, welcome to my channel Tanujava Study. After talking about different kind of tissues, tissue system, now let's talk about individually root, stem and leaves. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट की एनाटॉमी के बारे में. नाउ रूट, अगर हम प्लांट की पूरी कैटेगरीज देखें तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट होती है. तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए हैं आपको. वन इज़ दी सॉरी डाइकॉट, दिस इज़ दी डाइकॉट रूट एंड दिस इज दी मोनोकॉट रूट. ठीक है, क्या है मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट. नाउ वन बाय वन सारी स्ट्रक्चर को देखते जाएंगे और स्टडी करते जाएंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है. अगर हम सबसे बाहर से देखेंगे, देखो इसको समझने से पहले प्रीवियस वीडियो अगर देख के आओगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कुछ टर्म्स की बात करूँगी तो वो बेटर आपको प्रीवियस वीडियो देखने से आएगा. आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, दैट यू नो वेरी वेल. ये क्या है एपिडर्मिस, इसमें क्यूटिकल की लेयर भी होती है जो वाटर का लॉस प्रिवेंट करती है. इस एपिडर्मल की कुछ आउटग्रोथ होती है जो इसी के एक्सटेंशन से बनती है. रूट के केस में इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर, वॉट वी कॉल रूट हेयर. ठीक है, क्लियर है ये चीज़. नाउ अब बात करते हैं इस एपिडर्मिस के नीचे की तरफ ये क्या है. तो पहला तो पॉइंट हो गया हमारा एपिडर्मिस. नाउ सेकेंड पॉइंट, ये नीचे की तरफ का जो एरिया होता है दोनों में ही, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. व्हाट इट इज़ कॉल्ड, कॉर्टेक्स. ठीक है, ये कॉर्टेक्स बेसिकली बनता किससे है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल. जितनी भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो सेल्स यहाँ पे अरेंज होती हैं और उससे ये पूरा कॉर्टेक्स बनता है. इसके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है. एज यू नो पैरेन्काइमा सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो लूजली बाउंड होती है, बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो दोनों में ये प्रेजेंट हो गया. अब उसके बाद आ जाते हैं इसी पैरेन्काइमेटस सेल से एक अंदर की तरफ एक और इनर वॉल बनती है, इनर लेयर बनती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस. क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आ गया हमारा एंडोडर्मिस. दिस इज मेड अप ऑफ दिस पैरेन्काइमेटस सेल. ये एक सिंगल लेयर सेल होती है और कैसी होती है, बैरल शेप, बैरल शेप की सेल होती है. ओके, जो आप देख सकते हो फिगर में भी एक बैरल शेप की सेल होती है जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस को डिफाइन करती है. इस एंडोडर्मिस के ऊपर, इसके ऊपर एक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है दैट इज सुबेरिन. इस सुबेरिन की खासियत क्या है कि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है. मतलब क्या, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है तो जल्दी से ये अंदर वाटर को एंटर नहीं करने देता. और इसी डिपोजिशन की वजह से इस वाली, ये वाली यहाँ पे एक स्ट्राइप होती है दैट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्राइप. ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है दिस कैस्पेरियन स्ट्राइप. ये कैस्पेरियन स्ट्राइप होती क्या है, देयर इज अ वैक्सी लेयर ऑफ सुबेरिन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोडर्मिस. आ रही बात समझ में. अब इसके अंदर की बात करते हैं. अंदर की तरफ जो आपको ये पूरा ब्लू कलर का फिलिंग सब्सटेंस मिल रहा है कि जहाँ जहाँ जगह वहाँ वहाँ ये फिलिंग हो रहा है, दैट वन इज नोन एज पेरीसाइकल. क्या बोलते हैं इसको हम, पेरीसाइकल. दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, पेरीसाइकल. ठीक है, नाउ इस पेरीसाइकिल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल. तो देखो अभी तक अगर आप बात कर रहे हो, अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, दोनों में ही मोनोकॉट में, डाइकॉट में, दोनों में सिमिलर है, कोई डिफरेंस ही है. अब डिफरेंस शुरू होता है कहाँ से, वेस्कुलर बंडल से शुरू होता है. नाउ अगर हम बात करें डाइकॉट में, इसमें वेस्कुलर बंडल दो से चार जाइलम या एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं एज यू कैन काउंट ऑल्सो. सो ये जो आपको रेड मार्क वाला दिख रहा है दैट इज द जाइलम, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम. तो यहाँ पे भी ये जाइलम है. और ये जो ग्रीन वन दिख रहा है ये सब क्या है, दिस इज द फ्लोएम. सो इफ आई मार्क दिस वन, दिस इज फ्लोएम. ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रूट के केस में जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट नहीं होते. तो आप देख सकते हो जाइलम अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है, फ्लोएम अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है, हेयर ऑल्सो. अब
ये तो सेम हो गया, डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे तो देखो दो से चार ही जाइलम फ्लोएम मिलते हैं, जबकि मोनोकॉट में इफ़ यू विल काउंट दे आर मोर देन सिक्स, मोर देन सिक्स यहाँ पर जाइलम या फ्लोएम मतलब वेस्कुलर बंडल मोर देन सिक्स मिलते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, एक और चीज़ जो ये हमने पेरिसाइकिल बोला, अब ये जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम है ये जाइलम, इसके बीच का जो ये टिश्यू होता है तो ये पैरेन्काइमा सेल ही, इस टिश्यू को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं हम इसको? कंजक्टिव टिश्यू, दिस वन। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक मेन बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? अगर आप नोटिस करोगे, ये जो सेंटर एरिया होता है, जो पेरिसाइकल में ही जो ये सेंटर एरिया है, इसको हम बोलते हैं पिथ। सो वेयर डू आई मेंशन दिस वन, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड पिथ। यहाँ पर भी दिस इज, इसको मुझे दूसरे कलर से मेंशन करना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड पिथ। ठीक है, क्लियर है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट को पिथ। तो आप अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे पिथ थोड़ा छोटा है और मोनोकॉट में पिथ थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे पिथ कैसा होता है? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब क्या कि प्रोमिनेंट नहीं है। और यहाँ पे पिथ कैसा है? इट इज़ वेरी लार्ज। ओके, एक और चीज़ आप नोट करोगे, देखो ये जाइलम यहाँ तो काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है और पेरिफेरी की तरफ छोटा, यहाँ बड़ा है छोटा, सेम यहाँ पे भी होता है, ये बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है। ये क्या होता है? जाइलम में भी वेरिएशंस होते हैं। देखो बड़ा है, मोटा है, यानी मोटा पर्सन है, तो इसको हम बोलते हैं, जिस बड़े वाले को बोलते हैं हम मेटाजाइलम। ओके, और ये जो स्मॉल वाला है, दिस इज़ प्रोटोजाइलम, दिस इज़ प्रोटोजाइलम। ठीक है, ये दोनों सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं। बेसिक दो डिफरेंस जो है वो यही है, जाइलम फ्लोएम वाला एंड पिथ वाला। ठीक है, ये याद रखना, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम ऐसे ही होता है। मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है। जब हम स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में इसका अरेंजमेंट ऑपोजिट हो जाता है कि मेटाजाइलम तो पेरिफेरी की तरफ होगा, प्रोटो सेंटर की तरफ होगा। रूट में हम बात करेंगे तो मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, याद रखना मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। अब एक और लास्ट पार्ट इसका रह जाता है, दैट इज़ वॉट, अगर हम इसमें बात करें, इस एंडोडर्मिस के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग दिस पेरिसाइकल, यू आर गेटिंग दिस वेस्कुलर बंडल, एज वेल एज यू आर गेटिंग दिस पिथ। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है? पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, इस तीनों को ही कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? स्टेल। क्या बोलते हैं? स्टेल, याद रखना ये नाम, कई बार पूछ लेते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेल। कह सकते हो दैट इज अबाउट दी सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ ये सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में होती है, यहाँ पर ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और मोनोकॉट में ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो क्या होगी? ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे बीच में कुछ कैम्बियम बन जाती है, मैंडुलरी रेज बन जाती है, जिसकी आगे हम बात करेंगे डिटेल में। बस ध्यान रखना, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको अभी समझ में आया होगा कि हाउ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स अरेंज, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे अरेंज होती है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। आर यू क्लियर अबाउट दिस वन? इफ एनी डाउट कम्स, प्लीज लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे मोटिवेटेड, कीप डूइंग स्टडी, and do let me know how much you are getting or understanding from my lecture, or how much you are getting benefited from my lecture. Please let me know in comment section. Thank you. Bye bye.